सेलिब्रिटीज की फोटोज देख के मैं हमेशा सोचती थी उनके फेस पे ये नेचुरल सा ब्लश कैसे रहता है, बट मैंने उनका ये सीक्रेट पता लगा लिया है, इट्स बिकॉज ऑफ अंडर ब्लश। अंडर ब्लशिंग में ना हमें ब्लश फाउंडेशन से पहले लगाना होता है। आई एम यूजिंग दिस चीक स्टेन बिकॉज ये बहुत पिगमेंटेड है, इसका कलर लाइट नहीं है और ये फाउंडेशन के नीचे से भी दिखेगा। आई नो ये थोड़ा वियर्ड लग सकता है, बट दिस टेक्निक इज ऑल अबाउट ट्रस्टिंग द प्रोसेस। फिर कोई सा भी फाउंडेशन लेकर के उसको एक पतली सी लेयर में अपने पूरे फेस पे लगा लेंगे। स्पंज की जगह मैं ब्रश यूज कर रही हूँ प्रोडक्ट को इवनली डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए एंड एक पतली लेयर लगाने के लिए। एंड यू गाइस कैन ऑलरेडी सी फाउंडेशन से कवर होके ब्लश कितना ब्यूटीफुल एंड नेचुरल लग रहा है। मेकअप करते हुए शायद ये बेस्ट टेक्निक है जो मैंने अभी तक खुद से खोजी है। एंड दिस वॉज अंडर ब्लशिंग, इसको ट्राई करो एंड मुझे बताओ कैसा लगा।